कैपिटल डिफरेंस इज कैपिटल डिफरेंस 33,690 नोट तो आया आपको आया वो इंस्टॉलमेंसी वाला पार्ट आया डेबिट माइनस क्रेडिट उसमें आधा ला रहा है ना तो 3180 ला रहा है 3180 नहीं ला जो नहीं ला रहा है हाँ जो 3180 ला रहा है 3180 नहीं ला रहा है ऐसा करंट और कैपिटल दोनों बड़ा बनाना कर लो आराम से करो ये करो उसके बाद इसका ड्रॉ करो सम नंबर 20 फिनिश द प्रीवियस सम देन ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम नंबर 20 विथ करंट बहुत
चलो ले लो सन नंबर 20 पढ़ा फिर चार मुझे नहीं मालूम बोला भाला एकदम भगवान का कौन छपा चलो Sum number 20. See now, it is with current. With current. In fact, you can solve this sum on your own. Listen carefully. सुनो ध्यान से करंट में क्या चेंजेस कर रहे लुक एट द वोल्ट तेरे को बोलो गाइस सिंस यू आर हैविंग करंट ऑल द एडजस्टमेंट शुड बी डन इन करंट बोर्ड में देखो स्टेप नंबर 1, 2 and 3 रिमेन द सेम प्रॉफिट लॉस मिलेगा कहां जाएगा कैपिटल की करंट फिर लास्ट में यू नो हाउ टू शेड करंट वेर यू शेड करंट एंड ट्रांसफर तो करंट बंद करके किधर डाल देने का कैपिटल एंड देन डू द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलमेंट बस उतना ही अलग खाली करंट उठा के डाल दो कैपिटल में तीनों का तीनों का करंट विल गो टू कैपिटल और फिर कैपिटल में जो करते हो नॉर्मली डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइड एंड सॉल्वेंट टू इंस्टॉल समझ में आया एवरी सम रिमेन्स पूरा सम एंटायर सम रिमेन्स द सेम खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है क्या एक्स्ट्रा हुआ है करंट गोज टू कैपिटल अब यूजुअली करते ही हो और उसके बाद इंस्टॉलमेंसी प्रोसेस एंड देन शट डाउन कैपिटल एंड ट्रांसफर बाकी पूरा नॉर्मल कैपिटल बड़ा बना इसलिए मैं बोला ना कैपिटल बड़ा बना सो शुरू करो
साथ में करते जाओ. 20th सर, स्टार्ट विथ बैलेंस. लास्ट सम का आंसर आया सबको? एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस सर? चलो दिस इज द लास्ट सम फॉर द डे. कम ऑन, गुड. लास्ट सम है सम नंबर 20. ध्यान से करो. हिंदू का सर उल्टा ना वर्ड इंदिरा का नेगेटिव में तो फिर हुआ है बराबर है. देखो कैपिटल तीनों का दिया हुआ है, करंट सिर्फ दो का है, तीसरे का नील दिया ही नहीं है ना. तो नील बराबर करो, बात मत करो. Nice. Don't talk, do it fast. What up, Adam? Much. Yashvi, come on, be quiet. What do you mean by loan against mortgage of property? गिरवी रखना. Property को गिरवी रख के लिया हुआ है. Are you getting that? You have given property as a security. Yes. But यहाँ पे तो हम लोग अमीर है, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम कब आएगी? When we are all insolvent, गरीब हो जाएंगे. तभी we have to decide the order of liability. We have to decide the order of liability. सबसे पहले एक्सपेंस, फिर सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड. ओके, वो बताऊंगा मैं. यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा लिख दो. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप डन, राइट? याद तक हो गया सबका? फिर स्टेप टू पे आ जाओ, सेल ऑफ एसेट बाय कैश. प्री ओल्ड प्रॉपर्टी रियलाइज हाउ मच? 6,000. फर्नीचर रियलाइज 1,000. स्टॉक 13. डेटर्स 15. कोई टेक ओवर नहीं हो रहा है ऐसे. तो जाओ लाइव रिलीज पे. टू कैश क्रेडिटर ने 50% का डिस्काउंट दे दिया. वहां 28 का वी आर पेइंग ओनली 40. व्हाट अबाउट लोन? सेम टू सेम, नथिंग इज गिवन. सो व्हाट डू यू अज्यूम? पे इट ऑफ एट बुक वैल्यू. ओके, और रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000. मिला? आई थिंक दैट कंप्लीट्स योर स्टेप 3. कुछ टेक ओवर वगैरह नहीं है, सब इज ओवर. फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. लॉस ऑफ 21,000 88,000 16,000 7,000.
व्हाट इज द ब्रेकअप वेटिंग ऑन द हम लोग को पता है बोलो क्या है ब्रेकअप रेशियो क्या है 3-3-2 डिवाइड बाय 8 इंटू 2 कैलकुलेट द लॉस आर 21100 गलत होगा सबका रॉन्ग जाएगा बराबर मैंने नहीं किया मैंने किया करो कुलचा कैलकुलेट करो बताओ मेरे को क्या है लॉस और डिविजन करो बराबर सर 21 वो बराबर है ये बोलो ब्रेकअप रेशियो तो बोलो 7912.5 आ रहा है पहले का इंदु का कितना 7912.5 ये चेक करना ये गलत है हाँ बराबर बराबर है ना इंदिरा का मैंने नहीं किया Once you get the loss, don't directly jump to insolvency process because we are having current account. Guys, so what will you do first? Before insolvency, what will you do? Transfer all current to capital. करंट को खाली करो कैपिटल में डालो नेट अमाउंट पता चले ना फिर नेट अमाउंट से इंसॉल्वेंसी को तो पहले करंट ये बराबर है ना इससे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ इधर तो शट डाउन करंट एंड ट्रांसफर इट टू कैपिटल आई थिंक एक का इधर आ रहा है सबका इधर ही सबका डेबिट ही बढ़े तो बाय कैपिटल कैपिटल में आएगा टू करंट 1 1 9 1 2 1 2 8 1 2 1 2 8 1 2 इधर तक आ जाओ काफी टाइम से बोर्ड्स में ना सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी नहीं आया फुल फॉर्म इंसॉल्वेंट डबल पार्टनर वो भी आया डबल तो इस साल इंट्रोड्यूस सिंगल पार्टनर आए बहुत टाइम हो गया आ सकते आ सकते हैं उल्टा सीए का नहीं सीए नहीं है वाइट डाउ शायद भूल गया मुझे बताओ यहाँ पर कौन इंस्टॉलमेंट कौन हुआ इंदिरा हैज डिक्लेयर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट 50% वाज रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट सो शट डाउन हु फर्स्ट इंदिरा का नोट बनाओ वर्किंग नोट 1 अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंदिरा हाउ विल यू कैलकुलेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम उधर 4775 आएगा इंदिरा नहीं आपने उधर 4775 लिखा है पर इधर 5275 तो 500 माइनस हुआ है ना इधर तो फिर 5275 लिखा है अरे ये वो लॉस है अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंदिरा चलो हो गया हो गया चलो उन लोग से तो मिस्टेक होता ही नहीं है ना सर 100% अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंदिरा मेरे को बोलो अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंदिरा हाउ विल यू कैलकुलेट डेबिट माइनस क्रेडिट व्हाट डू यू हैव इन इंदिराज डेबिट 4775 माइनस 1000 मिला हेलो 3775 आर यू अंडरस्टैंडिंग रिपीटिंग द सेम प्रोसेस 3775 लेना है
कितना ला रही है तेरा 50% करो आधा कितना करो मेरे हिसाब से तो 1887 रखो तो क्या है वो डिविजन अच्छा रहेगा इंस्टॉलमेंट तो इधर 1887 करो और डेफिशिएंसी कितना होगा उसका डेफिशिएंसी कितना होगा फिर 1888 जस्ट लाइक द लास्ट सम आधा लाए आधा नहीं लाए बराबर है हाफ द मनी शी इज एबल टू ब्रिंग तो पहले वो हाफ का एंट्री करना है वेदांत हाफ अमाउंट जो लाया ना उसका एंट्री करना है और वो क्या होगा बाय बैग वो करना भूलना मत इधर बाय कैश कैश 1887 और कैश में आएगा 2 इंदिरा स्टूडेंट्स दे फॉरगेट टू डू दिस एंट्री कॉमन एरर ऑफ डिसोल्यूशन ये एंट्री भूल जाते तो बाय कैश या बाय बैंक जो पैसा लाई है उसका एंट्री भूलना मत और फिर इसका डिवीजन कौन सा है 3:3 है ना तो 1:1 में डिवाइड कर लो तो 944 बराबर है विल बी शेयर्ड बाय इंदू एंड इंदर इन पीएसआर इंदू एंड इंदर इन पीएसआर ठीक है इज दिस क्लियर 944 सो बाय कैश और फिर सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट वो आर द सॉल्वेंट वंस इंदू इंदर टू व्हाट इंदिरा 944 1888 ये बैठ गया दिमाग में सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट वो पैसा कम ला रही है तो बिजनेस इन दोनों को कम दे दोनों का कैपिटल कम हो इंदू इंदर का कम हुआ इंदिरा का क्रेडिट लेके सेटल किया सो इंदू इंदर में टू इंदिरा क्या 944 और इधर बाय इंदू एंड इंदर बाय इंदू एंड बाय इंदर एंड दैट्स इट इंदिरा इज टैली 1614 बाकी दो का पहले का बैलेंस सरप्लस है दोनों का ना क्या है बैलेंस पहले का 1614 एंड थर्टीन सेवन फिफ्टी सिक्स 8,855 बैलेंस